हेलो फ्रेंड्स, सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको पैड प्रिंटिंग मशीन के बारे में कि इस पैड प्रिंटिंग मशीन से आप किसी पर भी प्रिंटिंग कर सकते हो, चाहे एलईडी बल्ब हो, चाहे टी बल्ब हो, चाहे एसीडीसी बल्ब हो, या कोई और भी किसी बोतल पे या किसी पे प्रिंटिंग का काम करना चाहता है तो इस मशीन की सहायता से प्रिंटिंग कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि ये मशीन वर्क कैसे करती है और कैसे इसको पूरा प्रिंटिंग के लिए तैयार किया जाता है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बताना कि इसमें कैसे क्या सारा सिस्टम होता है, इस मशीन में क्या क्या, जैसे खरीदते हैं तो इस मशीन में आपको क्या क्या कंपनी देगी आपको। जैसे कि इस मशीन में अपनी ये मशीन ओनली अलग से आती है और जो अपने ये आइटम रहते हैं, जैसे मशीन का ये आइटम हो गया, जैसे ये डाई हो गई, इंक की डाई, और अपना ये फिक्सर हो गया। अगर एलईडी बल्ब का प्रिंटिंग करते हो तो फिक्सर हो गया 3 वाट से लेकर 20 वाट तक, और अपना एक ये थिनर हो गया इसमें इंक मिलाने के लिए, और आपको एक एक किलो की इसमें 1 किलो ब्लैक इंक दी जाएगी और 1 किलो वाइट इंक दी जाएगी, और आपको इसमें एक एलन की दी जाएगी इस प्रकार की, जिससे आप डाई लगा सकते हो और वो कर सकते हो। और इसमें आपका ये दो इसके नट बोल्ट आएंगे जिसमें ये डाई रख के चलेगी, और इसमें एक आपको डाई दी जाएगी कि जो आप ब्रांड बनाएंगे उसका आप ब्रांडिंग, जैसे ये हो गई अपनी पावर लाइट, आप देख सकते हो इसमें ब्रांडिंग है पावर लाइट। तो आप अगर कोई भी अपना ब्रांड बनाएंगे तो इस प्रकार की डाई। अब मैं बात करता हूँ इसको कैसे क्या वर्क करती है, कैसे क्या वो करती है। जैसे कि इसमें फर्स्ट काम होता है डाई का, डाई के ये आप देख सकते हैं, ये ब्लेड है, ये प्लेट होती है, आयरन की प्लेट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कम 6 से 7 डाई रखी हुई है अलग अलग ब्रांड की, ये प्लेट होती है। इस प्लेट में आपको अगर दिख रहा हो तो पावर लाइट 9 वाट 12 वाट उस हिसाब से आप यहाँ पे ये फिक्स हो जाती है। मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो ये अपनी ये डाई इस जगह पे ऐसे रख जाती है। अब इस डाई को रखने के बाद आप क्या करना होता है, ये जो साइड में ये जो बोल्ट लगा रहता है ना, इसको आप एलन की सहायता से बिल्कुल टाइट कर देगी। अगर हमारी मशीन चले तो ये डाई हिलनी नहीं चाहिए। आप इसको टाइट कस दें। अब फिर बात आती है डाई रखने की, डाई तो आपको कैसे क्या रखनी है मैं आपको बता देता हूँ। ये डाई होती है, इसमें मैग्नेट होती है कि ये इसमें ऐसे चलती है। अभी मैं लास्ट में क्लिप ऐड कर दूंगा जो अपनी मशीन चलते समय कैसे प्रिंटिंग करती है, वो मैं क्लिप इसमें आपको लगा दूंगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पे आपको ये डाई रखनी है, फिक्सर आपको दिख रहा है, इस प्रकार इसमें ये डाई रखी जाती है। और ये जो प्लेट है, जैसी उधर ये प्लेट आपको दिख रही है, इसी प्रकार की इधर ये प्लेट आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्लेट को भी आपको टाइट लगाना है, और इसमें ये जो दो आपको नट बोल्ट दिए जाते हैं टाइट करने के लिए, इसको खिसका के ये टाइट आपको लगाना है। इसको टाइट आपको लगा देना है। अब बात आती है अपनी, जैसे अपनी डाई भी लग गई और वो भी हो गया, अब बात आती है अपनी इंक की। तो इंक की आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का या आपको किसी बर्तन का वो करना है, आपको जैसे ब्लैंक इंक, जैसे वाइट बॉडी हो गई, जैसे ये अपनी एलईडी बल्ब हो गया, इसकी वाइट बॉडी हो गई, तो इस पर ब्लैंक इंक प्रिंट करना है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें से इंक आती है, बहुत ही गाढ़ी इसमें इंक आती है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इसमें गाढ़ी ये इंक आती है। अब इस गाढ़ी इंक को आपको किस प्रकार इसमें वो करना है, ये थिनर होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो इस बोतल में ये थिनर होता है। जैसे कलर पेंट आप जब घर पे दिवाली या वो होती है तो कलर पेंट में आप उसमें कुछ पानी और कलर पेंट मिलाते हो, तो इसी प्रकार इसमें होता है कि आपको थोड़ा कलर डालना पड़ेगा और थिनर मिलाना पड़ेगा, इसको अच्छे से
आपको फेंट के क्या करना है, इसकी ये डाई है, इसमें आपको ऊपर से डाल देना है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंटिंग हुई थी, अभी मैं वो क्लिप आपको लगा दूंगा। जैसे ये एलईडी बल्ब की ये हाउसिंग है, इसमें देखो ये प्रिंटिंग है, जैसे ये पावर लाइट की ये प्रिंटिंग है। तो इस प्रकार ये वर्क कैसे करती है, यहाँ पे आपको ये एक ये पैड लगा होता है, इसका नाम होता है, ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूँ, ये पैड होता है। इस पैड को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे इस डाई में अलग अलग रहता है, 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 3 वाट, तो इसी डाई को उसी हिसाब से आपको सेट करना होता है। और सिंपली फंक्शन इसमें कोई ज़्यादा नहीं रहती, ये पावर ऑन का ये अपना स्विच है, और यहाँ पे ये फ्यूज लगा रहता है सेफ्टी के लिए, और अपना ये पुशअप का रहता है, जैसे कि कोई अगर वैसे काम नहीं करना चाहता है तो जितनी देर ये पुशअप करेगा उतनी देर ये मशीन चलेगी, जैसे उंगली हटा देगा मशीन बंद हो जाएगी। और ये अपना स्पीड का है कि आपको इस हिसाब से क्या इस स्पीड में आपको इसको वर्क करनी है। अब देखिए आप कैसे ये मशीन वर्क करती है।